दोस्तों चर्चा करेंगे काफ़ी दिनों के बाद। यहाँ पे देखेंगे जो भी अभी न्यू वैकेंसी के इंतजार कर रहे होंगे, देखेंगे बिहार में पंचायती राज विभाग और स्वास्थ्य विभाग से समझ सकते हैं 35,000 प्लस पदों के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी कर दी गई है और आगे विधानसभा चुनाव है उससे पहले जो है ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया इस पर ऑनलाइन और रजिस्ट्रेशन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया 4 महीना से पहले सभी प्रक्रिया जो है पूर्ण कर ली जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पे समझ लेंगे। पंचायती राज विभाग से 15,600 से 10 पदों पे बहाली निकाली गई जिसमें कार्यालय परिचारी होंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेखापाल सहायक है, काफ़ी सारे पद है, आगे हम इस पर चर्चा कर लेंगे। बाकी पहले आप शॉर्ट नोटिस देख लेंगे पेपर कटिंग के माध्यम से जो जानकारी दी गई है, आगे आप लोग समझ लेंगे। यहाँ पर देखेंगे जानकारी दिया गया है कि पंचायती राज विभाग में 15,600 से 10 पदों पर होगी बहाली और इसके ऊपर जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है, आगे आप लोग समझ लेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी क्या रहने वाली है, आगे आप लोग समझ लेंगे। इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी निकाला गया है, एक संविदा और एक अस्थाई। ठीक है, आगे समझ लेंगे कि संविदा आधारित में कितने प्रकार के पद है और जो अभी मतलब अस्थाई पद है तो उसमें कितने प्रकार के पद है, आगे आप लोग समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है कि 43 से 51 पदों पर अस्थाई नियुक्ति होगी और 11,002 से 59 पदों पर संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, आगे समझ लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 10 लाख नौकरी देने की घोषणा को पूरा करने में पंचायती राज विभाग ने भी तत्परता दिखाई है। पंचायती राज विभाग ने विभिन्न स्तर से रिक्त 15,600 से 10 पदों पर इसका वित्तीय वर्ष में नियुक्त करने की तैयारी कर ली है। मतलब समझ सकते हैं 4 महीने के पहले जो है ये नोटिफिकेशन भी जारी कर देंगे और उस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे, साथ ही उसके बाद एग्ज़ाम जो भी होंगे कंडक्ट करवा के आप लोग के ज्वाइनिंग जो है हाथ में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर समझ लेंगे पद जो बात की गई है, यहाँ पे कौन कौन से पद रखा गया है तो चलिए इसे हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। प्रेस नोटिस जो पब्लिश किया गया है उस पर हम चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर जानकारी दे दी गई है पंचायती राज विभाग की ओर से। यहाँ पे समझेंगे बिहार सरकार पंचायती राज विभाग प्रेस नोटिस है ये। पंचायती राज विभाग में विभिन्न पदों की कुल अस्थाई पदों पर 43,051 तथा अस्थाई पदों पर संविदा पर 11,259 रिक्तियाँ हैं। नियुक्ति हेतु अध्याचना संबंधित को भेज दी गई है। पदवार रिक्तियाँ इस प्रकार है। यहाँ पे समझेंगे पंचायती राज पदाधिकारी जो है इसमें टोटल 112 पद है। ठीक है, जो ग्रेजुएशन किए होंगे उसके लिए ये मतलब पोस्ट है। और आगे यहाँ देखिए अंगरक्षक है उसमें 28 पद है, पंचायत सचिव है 3526 है, निम्न वर्गीय लिपिक क्षेत्रीय स्थापना 504 है और निम्न वर्गीय लिपिक मुख्यालय स्थापना में 1 है और कार्यालय परिचारी का टोटल 5 पद है जो इंटर क्वालिफाई वो भर सकते हैं। बाकी जिला परिषद कन्य अभियंता 104 है, जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक का जो है 72 है। ये जो पद है यहाँ पर देख सकते हैं 43,051 पोस्ट है और ये अस्थायी नियुक्ति होंगे। ठीक है, जिसे हम सरकार के द्वारा ट्रैक जो वैकेंसी आती है 60 साल का परमानेंट, तो ये परमानेंट जॉब है। ठीक है, बाकी यहाँ देखिए संविदा जो है यहाँ पे देखेंगे और अस्थाई पद लेखापाल स्व आईटी सहायक 7,070 पद है। उसके बाद लेखापाल स्व आईटी सहायक जो इंटर क्वालिफाई है आप लोग को इसमें मौका मिलेंगे और तकनीकी सहायक 556 है, कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पद है और ग्राम कचहरी सचिव के देखेंगे 14 पद है, जो मैट्रिक पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ग्राम कचहरी के नियमित यहाँ पे देखेंगे 2230 है, तो कुल यहाँ पे देख सकते हैं 11,259 पद है ये संविदा पे होंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब जो अभी संविदा होंगे ये भी 60 साल का होता है लेकिन इसमें 1 साल का टर्म एंड कंडीशन होता है। अगर आप 1 साल में अच्छे से मतलब कोई भी शिकायत आपके ऊपर नहीं आती है तो 60 साल परमानेंट कर दी जाएगी। कहीं ना कहीं ये दोनों जॉब जो है बहुत ही सुरक्षित है, इसमें आप लोग जॉब ले सकते हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन जो है मतलब समझ सकते हैं जून के लास्ट तक में जो है इसका ऑनलाइन आवेदन भी हो जाएंगे। 16 या 17 जून के बीच में जो आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएंगे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और आप लोग का सिलेबस क्या रहने वाले है। वैसे हमने डिस्क्रिप्शन में थोड़ा डिटेल दे दिया हूँ सभी पोस्ट के रिगार्डिंग कि मतलब समझ सकते हैं कि कौन सा पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिलेबस क्या रहने वाले है, इसके ऊपर हमने जानकारी दे दी है। ठीक है, आगे समझ लेंगे। स्वास्थ्य विभाग से भी काफ़ी सारे वैकेंसी निकाली गई है, आगे आप लोग समझ लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 9 जून 2024 का ये पेपर कटिंग है और इसमें जानकारी दी गई है कि स्वास्थ्य विभाग के तहत 4 माह में
45,000 पदों पर होगी बहाली। मतलब समझ सकते हैं 4 महीना के अंदर ही विधानसभा चुनाव से पहले ही इन सब पे नोटिफिकेशन जारी होंगे, ऑनलाइन आवेदन होंगे और एग्जाम कंडक्ट होंगे। यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है कि राज्य में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 45,000 पदों पर बहाली होगी। सोच सकते हैं 45,000 पद इसमें है और 15,000 उसमें है, तो 55,000 प्लस पद ऐसे मतलब समझ सकते हैं कि बहाली होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है कि बहाली होगी इसमें 21,387 ANM और GNM के पद शामिल है। समझ सकते हैं ANM के जो पद है, जो ANM बनना चाहेंगे उसके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 21,387 बहुत ज़्यादा पद है इसमें। और यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है, इसके अलावा चिकित्सक, दंत चिकित्सक, नर्स, ANM, GNM, CO और पैरामेडिकल सहित अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगलवार को पांडे ने 4 माह में बहाली प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि रिक्त पदों का रोस्टर तय करते हुए नियुक्त प्रक्रिया कराई जाए और ANM और GNM के अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1339 सहायक प्रधानाध्यापक और यहाँ आप देखेंगे 3523 विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी और 396 सामान्य चिकित्सक पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और संविदा के आधार पर 1290 सामान्य चिकित्सक पदाधिकारी की बहाली होगी। यहाँ पर देखिए पद बार यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा पद के लिए कितना पोस्ट है। जैसे यहाँ पर देखेंगे सहायक अध्यापक है तो 1339 पद होंगे, विशेष चिकित्सक पदाधिकारी 3523 होंगे, सामान्य चिकित्सक पदाधिकारी 396 पद है, समान चिकित्सक पदाधिकारी जो अभी संविदा पे बहाली होंगे 1290 होंगे, दंत चिकित्सक जो है 64 होंगे, सिस्टर ट्यूस्टर जो है 362 होंगे, नर्स का जो है 6298 पद है नर्स के लिए। और यहाँ देखिए ANM का जो है 15,089 पद है। ANM और GNM का सबसे ज़्यादा पद इसमें होंगे। देखिए नर्स जो बनना चाहेंगे उसके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 6298 पद है और ANM का 15,089 पद है। काफ़ी दिनों से ये वैकेंसी की इंतज़ार कर रहे होंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पर देखिए फार्मास्टिक का है 3637 है, एक्सरे तकनीशियन जो है यहाँ पर देखेंगे 803 पद है, OT असिस्टेंट है 1326 पद है, उसके बाद ECG तकनीशियन देखेंगे 163 पद है और लेब टेक्नीशियन है 3080 पद है, ड्रेसर का 1562 है और यहाँ देखिए CHO का संविदा पे होंगे ये 4500 है। तो समझ सकते हैं 45,000 प्लस पद जो है ये स्वास्थ्य विभाग के तहत निकाले जाएंगे। और यहाँ पे आप आगे देख लेंगे होंगे पंचायती राज विभाग से 15,610 पदों के लिए, और ये बहाली जो होंगे 4 महीना के अंदर ही सभी प्रक्रिया पूर्ण कर लिए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो जॉब की तलाश कर रहे होंगे। ANM साथ यहाँ पर नर्स की काफ़ी अच्छी पद है यहाँ पे। बाकी इस पे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसके ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएंगे इसी मंथ के लास्ट तक में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोग को इस चैनल के माध्यम से जो भी सटीक जानकारी होंगे आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।